बिगिनर जो स्टूडेंट है यहाँ पर, ठीक है, जो एकदम फ्रेशर्स हैं, अगर मैं यहाँ बात करूँ, जिन्होंने एकदम तैयारी को शुरू किया, ये फ्रेशर स्टूडेंट कैसे तैयारी करें, फ्रेशर कैसे, ठीक है, तैयारी करें यहाँ पर, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो कि इनकी प्रिपरेशन कैसे होने वाली है, ठीक है। अब देखिए, जैसे क्या होता है कि सबसे पहले आपका ये सवाल आपका अपने आप से होना चाहिए कि आपने यहाँ पर जो है, अगर मान लीजिए जो भी एग्जाम को टारगेट किया है, वो क्यों किया है, क्या आपकी ये मजबूरी है, ठीक है, कि आप इस मजबूरी के कारण इस सवाल को, जैसे एक तरीके से मेरी मजबूरी थी, मेरा कहीं जॉब नहीं लगा, मैं बीटेक का बंदा हूँ, 15,000 की मेरे को नौकरी मिल रही थी, तो मुझे बीटेक नहीं करना था, मुझे इंजीनियरिंग की नौकरी नहीं करनी थी, तो मेरे घर में किसी ने कहा कि एसएससी की तैयारी होती है, एसएससी का पेपर होता है, और मेरे पड़ोस में कोई एसएससी में सेलेक्टेड है, इसलिए हम एसएससी में कूद के आ गए और हम तैयारी शुरू कर दी है, क्या हम इस वजह से तैयारी कर रहे हैं, या मेरे बगल में, घर के बगल में कोई जो है रेलवे ग्रुप डी का लगा है, उसको मोटा दहेज मिला है, आराम से जो है 10 लाख 15 लाख रुपए की शादी हुई है, तो इस वजह से जो है उसके दहेज के पैसे को देखकर हम यहां पर जो है एक तरीके से सरकारी नौकरी की तैयारी करने आए हैं, या फिर ये कारण है कि हमने खाकी वेब सीरीज देखी है, आईपीएस लेवल का अलग ही एक भौकाल होता है, मजा आता है भैया जब एकदम सायरन निकलता है, एकदम जो है समाज में रुतबा होता है, तो हमको इस वजह से तैयारी करना है, या फिर आपके घर में या रिलेटिव में कोई आपके फलाना ताता फूफा चाऊ कोई है, वीडियो है या कुछ है, और बढ़िया एकदम 2-4 कोठी बनवा रखे हैं, अच्छा खासा 2-3 गाड़ी भी उनके दरवाजे पर खड़ी है, देखते हैं तो बहुत पैसा है, काम पर उन्हें जाना नहीं है, तो उस वजह से तैयारी करनी है। अगर आपके कुछ सपने इसमें से हैं जो सिर्फ प्रॉफिट देखकर आप उस जॉब में जा रहे हैं, तो यकीन मानिए आप बहुत गलत दिशा में जा रहे हैं, क्योंकि अडानी को भी फिर इसी दिशा में चले जाने चाहिए था, बेकार में वो जो है अपना हीरा का बिजनेस शुरू किया या कहीं पर भी जो है छोटा मोटा कोई काम किए, उन्हें भी सरकारी नौकरी की तैयारी करने की आवश्यकता थी। बड़ा चैलेंज आता है यहाँ पर कि ये फ्रेशर स्टूडेंट के साथ, कि ये फ्रेशर स्टूडेंट तैयारी कैसे करें। मान लीजिए आपका क्यू क्लियर हो गया, थोड़ी बहुत समझदारी के साथ आपने जान ली कि तैयारी करनी है। मैं बात सिर्फ एसएससी को लेकर नहीं करूंगा, मैं किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम को लेकर बात करूंगा कि कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की अगर आपको तैयारी करनी है तो आप कैसे करेंगे, चाहे वो एसएससी है, चाहे वो बैंकिंग है, चाहे वो यूपीएससी है, ब्रॉड लेवल पर अगर हम बात करें यहाँ पर तो कैसे होगा। तो सबसे पहले जो है ना, आप वहाँ पर उसका सिलेबस जानना शुरू करो कि उसका सिलेबस है क्या। जैसे मानिए एसएससी का सिलेबस जानना है तो बड़ी आसानी से इंटरनेट पर इजिली अवेलेबल मिल जाता है, यूपीएससी का जानना है तो उसकी एक मैगजीन भी आती है, यूपीएससी कोर ऐसे करके 20 रुपए की, उसमें पूरा यूपीएससी का दिया गया होता है सिलेबस, और भी चीज़ें होती हैं या इंटरनेट पर भी मिल जाता है, यूट्यूब पर भी। दूसरा, सिलेबस देखने के बाद जो है ना, आप कम से कम एक या दो टॉपर की वीडियो देखा करो, टॉपर्स स्ट्रेटजी जाना करो कि टॉपर की स्ट्रेटजी क्या थी, और टॉपर की वीडियो देखो, फॉलो कुछ भी नहीं करना, बस अभी वीडियो देखना, उनके स्ट्रेटजी जानने आपको कि उन्होंने किस तरीके से काम शुरू किया, किस तरीके से पढ़ना शुरू किया, और क्या उनका रणनीति रहा, कितने समय लगे, उन्होंने कौन से सब्जेक्ट को चूज़ किए। कारण बताता हूँ मैं, मान लीजिए कि मैं 12th में हूँ, ठीक है, आनन फानन में हमें कुछ समझ में नहीं आया और हमने जो है केमिस्ट्री ऑनर्स कर लिया, और ग्रेजुएशन करने के बाद जो है हमारी इच्छा हुई कि हमें यूपीएससी करनी है, हालांकि इच्छा हमारी 12th में भी थी, बताने वाला कोई नहीं था, सबने कहा तुम जैसे तैसे करके ग्रेजुएशन कर लो, अब हमने ग्रेजुएशन कर लिया केमिस्ट्री ऑनर्स में। केमिस्ट्री ऑनर्स ग्रेजुएशन करने के बाद जब यूपीएससी की तैयारी करने गए तो पता चला कि मेरा रूममेट जो है वो हिस्ट्री ऑनर्स करके आया है और उसने ऑप्शनल में हिस्ट्री ले रखा है, तो भाई 500 नंबर का तो पेपर उसका ऐसे ही तैयार हो गया, ठीक है। दूसरा रूममेट मेरा एसएससी का है, उसने यहाँ पर जो है पॉलिटी ऑनर्स कर रखा है, तो उसकी पॉलिटी तो ऐसे ही स्ट्रॉन्ग है, प्री और मेंस में तो उसके ऐसे ही नंबर आ जाएंगे, मेरा केमिस्ट्री ठहरा छोटा सब्जेक्ट, काम किसी का आना नहीं है, तो हमने तो 3 साल बर्बाद कर दिया। और ना सिर्फ इन 3 साल बर्बाद होते हैं, जितना बड़ा सब्जेक्ट आप ऑनर्स में चूज करते हैं समय भी आपका उतना ही लगता है। अगर आप केमिस्ट्री ऑनर्स चूज करेंगे ग्रेजुएशन में तो डेली के आपके 8 से 9 घंटे जाने अगर आप रेगुलर कॉलेज कर रहे हैं तो, और वो आपका पूरा समय बेकार करके चला जाता है। लेकिन अगर वहीं कोई आर्ट्स जैसा सब्जेक्ट आपके पास रहता तो आप अपना डेली का काफी समय बचाते और उसको आप तैयारी में लेकर आते, ठीक है। तो शुरू में जो है वो सिलेबस जरूर देखिए कि वो सिलेबस क्या है, उसके बाद आप यहाँ पर टॉपर्स की स्ट्रेटजी देखिए। दूसरी बात, उसके अंदर वो पोस्ट डिटेल जो होता है ना, मैं बार बार कहता हूँ कि वो पोस्ट डिटेल को देखा करो, वो आपको काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करेगा, ठीक है। जैसे आप सीबीआई में जाना चाहते हैं, आप ईडी डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं, आप इनकम टैक्स में डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं, ये आपको एक कॉन्स्टेंट मोटिवेशन दे रहा होता है आगे बढ़ने का, ठीक है। तो पहले जो है आप लोग यहाँ पर बढ़िया तरीके से अपने सिलेबस से रूबरू रहो, टॉपर्स की स्ट्रेटजी जानो, पोस्ट डिटेल जानो, और उसके बाद जो है यहाँ पर तब आप तलाश करो कि आपको यहाँ पर किताबें कौन सी पढ़नी है, आपको यहाँ पर कोचिंग कहाँ से लेना है, आपको यहाँ पर यूट्यूब से फॉलो करना है, सेल्फ स्टडी करना है, जो भी करना है तो वो आपको कहाँ से करना है, किस तरीके से करना है। इसमें जो है बहुत सारी बातें आपकी ये टॉपर्स के वीडियो से पता चल जाता है, जो यहाँ से आपको सजेशन मिलता है या जो आपके फ्रेंड और आपके रिलेटिव्स बताते हैं, वहाँ से आपको काफ़ी सारी बातें पता चल जाती हैं। जैसे मैं वो चीज़ें करनी चाहिए तो ये तीनों चीज़ें मैंने की हैं तब हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। मेरा सबसे पहले यहाँ पर जिज्ञासा हुआ कि यार करना क्या है, तो हम सबसे पहले जो है यहाँ पर गए इंस्टीट्यूट्स में अलग अलग, उत्तम नगर में बात बता रहा हूँ, 2016 में इंक्वायरी करने, ठीक है। मैं हमेशा से 2014 में जब आए, 15 और 16, तो यहाँ पर जो है 16 में हम पूछने गए, मतलब हमारा जो ग्रेजुएशन का सेकेंड ईयर था तो अलग अलग इंस्टीट्यूट थे, सचदेवा, पारामाउंट और ये सब सारे कोचिंग थे उस समय, तो गए वहाँ पर। इंक्वायरी में जाते हो ना तो बड़ा बढ़िया पैम्पलेट देता है, उस पैम्पलेट में ही सारा सिलेबस लिखा हुआ था कि पेपर का पैटर्न क्या है, कौन से एग्ज़ाम को निकालना है, तो उसके लिए कितने सब्जेक्ट होते
होते हैं, उनके कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने नंबर आते हैं, और वो पैम्पलेट में, पैरामाउंट की एक पैम्पलेट हुआ करती थी, उसी पैम्पलेट के अंदर जो है वो सारा का सारा दिया गया था। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा यार, हाँ यार ये हो सकता है, मतलब कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। पैम्पलेट के पीछे टॉपर्स के फोटो को देख कर, लास्ट में वो जब कोई भी इंस्टीट्यूट होता है एक फोटो ऐसा लगा देता है और कहता है नेक्स्ट यू, तो एकदम दिल से आवाज़ आती है कि अगला हम ही हैं, तुम टेंशन मत लो, हम होने वाले हैं। तो सिलेबस यहाँ से थोड़ा मुझे जानकारी मिल गया। इसके बाद उस समय एक और वेबसाइट था करके, mrunal.org, हालांकि इस समय अब ये है कि नहीं है मुझे नहीं पता, और इसमें बहुत सारी बात है। तो mrunal.org से सबसे पहले मैंने जो है वेबसाइट विजिट किया, मैं अपनी एकदम स्टार्टिंग बता रहा हूँ यहाँ से। mrunal.org पर गया, SSC में गया, और SSC में जाने के बाद जो है वहाँ पर जितने भी एक तरीके से पोस्ट डिटेल थे और जितने भी एग्जाम्स का जो भी पढ़ना था, करंट अफेयर का, स्ट्रेटजी का, सारे के प्रिंट आउट जाके किसी भी तरीके से जोड़ गाड़ के पैसे निकलवा के लेके आए, और उसमें टिक करना शुरू किया कि इंग्लिश ऐसे होगा, रीजनिंग ऐसे होगा, मैथ्स ऐसे होगा। फिर उसके बाद बात आती है टॉपर्स स्ट्रेटजी की वीडियो, ये ज़रूरी था, ठीक है। उस समय अलग अलग टॉपर थे, बहुत ज़्यादा वीडियो उस समय इंटरनेट पर उनके आते नहीं थे, ऑनलाइन का ज़माना नहीं था, तो मैं ऑफलाइन में सेमिनार कंडक्ट करने जा रहा था। मतलब जैसे मुझे UPSC का पता चला कि संडे को चाणक्य IAS जो है वो सवालाना जगह सेमिनार करवा रहा है, तो मैं उत्तम नगर से मुखर्जी नगर पर्टिकुलरली वो सेमिनार करने के लिए आऊँगा। कई बार तो ऐसा होता था ना कि जब मैं डीमोटिवेटेड फील करूँगा तो मैं बस उत्तम नगर से बस पकड़ के आऊँगा, ठीक है। उत्तम नगर से उस समय कौन सी बस आती थी एग्जैक्टली नंबर नहीं याद है, ठीक है, मतलब उत्तम नगर से बस सीधा लेकर आऊँगा मैं दिल्ली में DTC जो बसें चलती हैं यहाँ पे, और उसके बाद आके मुखर्जी नगर में अलग अलग कोचिंग में जा जा के सेमिनार अटेंड करना, अच्छा यहाँ पर ऐसे होता है, टॉपर्स का सेमिनार ऐसे होता है, ये ऐसे बोलते हैं, ऐसे तैयारी की, क्योंकि ग्रेजुएशन में जिनकी कॉलेज रेगुलर होती है उतना समय होता नहीं है। तो यहाँ से थोड़ा स्पार्क अपने अंदर जलाए रखा बस कि हाँ आगे चल के तैयारी करनी है। 2017 के लास्ट में मेरा यहाँ पर एक तरीके से ग्रेजुएशन खत्म हुआ। थोड़ी बहुत जानकारी टॉपर लोगों की वीडियो से मिल गई, थोड़ा बहुत सिलेबस का पता कर लिया, लेट हमारे में बहुत हो चुका था, वो हमारी गलती की वजह से, बताने वाला कोई नहीं था कि तैयारी करनी कैसे है, इस चक्कर में हम अलग अलग जगह पर भटकते रहे, ठीक है। लेकिन 18 के बाद से हमने तैयारी अपनी शुरू की, 1.5 साल हमें लगे पूरा का पूरा बढ़िया तरीके से। 19 के हाफ तक हमारा प्रिपरेशन हो चुका था, उसी समय गुरुकुल का भी पता चला, फिर बाद में गुरुकुल में भी आए, रहना शुरू किया वहाँ पर, और भी तैयारी शुरू हुई इस तरीके से करके, और बाद में धीरे से तैयारी शुरू हो गई अपनी अच्छे तरीके से। कोचिंग्स लिए ऑफलाइन में, कुछ दिन में गया, ठीक है, फिर उसके बाद जो है वहाँ से मज़ा नहीं आया, बहुत ज़्यादा वाहियात चीज़ें चल रही थी, ठीक है। तो फिर लाइब्रेरी लेकर अपना सेल्फ स्टडी करना शुरू किया, खुद के कंसेप्ट बनाए, खुद की चीज़ें बनाए। लाइब्रेरी में बस एक काम करता था और वो होता था हमेशा इस पोस्ट डिटेल पर मेरी नज़र होती थी। आज भी मेरे पास वो पेपर मेरे सूटकेस में संभाल के रखे हुए हैं जो मैंने mrunal.org से निकाला हुआ था, जिसमें सारे पोस्ट थे, और उसमें एक ही पोस्ट मुझे हमेशा अच्छी लगी थी, वो कैप वाली फ़ोटो एक्साइज इंस्पेक्टर की, वो मुझे हमेशा से पता नहीं क्यों अट्रैक्ट करता था, मुझे बहुत अच्छा लगता था, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है ना लाइफ में कड़ियाँ जुड़ते चली जाती हैं, कोई भी चीज़ आप एक बार में नहीं सीखते हैं, पहले दिन नहीं सीखते हैं, समय लगता है। तो अगर आप बिगनर हैं ना तो आपको सबसे पहले अपने सिलेबस पर काम करना चाहिए, टॉपर्स की स्ट्रेटजी की वीडियो देखो आप, पोस्ट डिटेल देखो आप, उसके बाद अपना कंसिड्रेशन करो कि किताबें कौन सी अच्छी हैं, कोचिंग कौन सी अच्छी हैं, सेल्फ स्टडी कौन सी अच्छी है। मतलब पहला जो काम होना चाहिए ना वो आपका काम होना चाहिए सर्च आउट का, कि आप सर्च आउट कर रहे हो बढ़िया तरीके से, लुकआउट कर रहे हो कि हाँ चलो देखते हैं सभी चीज़ें क्या हैं, कैसे हैं, क्या हैं, ताकि आपका एक बेस क्लियर हो सके एक तरीके से। जब घर बनाना होता है ना तो मिट्टी डाल के जो नींव है उसको पक्का करना होता है, ताकि अगर नींव आपकी मजबूत हो गई तो उसके ऊपर कितनी भी बिल्डिंग खड़ी कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब ये रहे कि बस आपको ये फील ना है ना, क्योंकि जो देखो जो पोस्ट डिटेल के बारे में सर्च नहीं कर पाया, जो अपने सिलेबस के बारे में सर्च नहीं कर पाया, जो किताबों के बारे में जानकारी नहीं कर पाया, क्या लगता है वो आगे चल के किताब पढ़ेगा? अब जो स्टूडेंट जाके दुकानदार से पूछ रहा है भैया SSC की तैयारी करनी है, कौन सी किताब पढ़नी है बताओ, तो वो क्या आगे पढ़ेगा? क्वेस्ट होना चाहिए आपके अंदर से, थर्स्ट होना चाहिए आपके अंदर से कि मुझे बढ़ना है तो मुझे अपने लिए सर्च करना पड़ेगा ना। तो वो चीज़ होना पड़ेगा कि आपको अपने लिए पहले आगे बढ़ना पड़ेगा। अब जैसे मानो इन चीज़ों को आपने सर्च आउट कर लिया, उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर, तो फिर उसके बाद आप चूज़ करो अपने तरीके से। आपको यूट्यूब से पढ़ना है तो यूट्यूब पर कई सारे चैनल हैं, कई सारे टीचर्स हैं जो पढ़ा रहे हैं। आपको लग रहा है कि अगर मैं यहाँ से तैयारी कर सकता हूँ, ये टीचर बढ़िया पढ़ाते हैं, कभी किसी के नाम पर मत जाना। दुनिया में कोई बोले ना कि आदित्य रंजन बहुत बड़े टीचर हैं, बहुत अच्छे टीचर हैं, अच्छा पढ़ाते हैं, मत पढ़ना, मैं बता रहा हूँ। आप तभी पढ़ना आदित्य रंजन से जब आपको समझ में आए, ठीक है। कोई भी XY टीचर है, कोई भी चैनल पर है, अगर मान लीजिए वो पढ़ाता है,
आपको समझ में नहीं आ रहा ना तो मत जाना, भीड़ के पीछे मत भागना, भीड़ का कटेगा तो आपका भी कटेगा, यूँ समझ लीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो आप अपना चैनल चूज करो, आप अपना सोर्स चूज करो कि कहाँ पढ़ना है, किसी के एप्लीकेशन का कोई पेड कोर्स लेना है आप वो चूज करो कि हाँ भाई कौन बढ़िया पढ़ा रहा है, कैसे पढ़ा रहा है, वो आप यहाँ पर चूज करो। किताबें किसी के टॉपर के नाम पर मत जाना कि किसी किताब ने बोल दिया कि फलानी किताब बहुत अच्छी है तो आप भी उसके ऊपर चल गए। बेशक उसके किताब का रिकमेंडेशन देखो, उसके बाद आप दुकान पर जाओ, दुकान पर उसकी एक नज़र लगाओ एटलीस्ट। जैसे अगर जीके की बात करें तो जीके में आपका लूसेंट भी है, जीके में मनोहर पांडे भी है, जीके में क्राउन पब्लिकेशन भी है, ठीक है। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जिनको कहानी की तरह लूसेंट बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन बहुत ऐसे हैं जिनको वन लाइनर अच्छा लगता है, तो वन लाइनर में यहाँ पर किसका चूज कर लेते हैं, तो वन लाइनर में वो जो है आपका क्राउन पब्लिकेशन का या मनोहर पांडे चूज कर लेंगे। तो डिपेंड करता है कि आपका यहाँ पर जो है इंटरेस्ट किसका है। बहुत लोगों को वोकैब ट्रिक से याद करना पसंद है, तो वहीं पर बहुतों को सिर्फ रटना पसंद है, ठीक है। तो डिपेंड करता है, मार्केट में हर चीज़ अवेलेबल है, तो आप अपना पहली बात तो जो है वो पता करो कि किसने क्या क्या रिकमेंडेशन दिए और उसके आधार पर जो है यहाँ पर आप शुरुआत करो, ठीक है। सोर्सेस पिक करो। अब जैसे मान लो कि आपने सपोज करिए कहीं पर कोई कोर्स लिया या आप यूट्यूब से पढ़ रहे हैं या कहीं से पढ़ रहे हैं, तो उसके बाद आपकी जिम्मेदारी यहाँ पर यह बन जाती है कि आप उस चीज़ में बड़ा कंसिस्टेंट सा रहे, यहाँ पे थोड़ा सीरियस हो जाए जीवन में। यहाँ पर हर समय स्ट्रेटजी, हर समय गाइडेंस नहीं होता, जितनी जाते जाननी थी वो यहाँ पर आपने जान ली। अब उसके बाद यहाँ से कंसिस्टेंट होकर पढ़ना शुरू करिए। कंसिस्टेंसी कैसे रखनी है, तो कंसिस्टेंसी ऐसे रखनी है कि मान लीजिए कि मैं आज से अपनी तैयारी शुरू कर रहा हूँ और मेरे पास बहुत अपार समय है, तो अब ये अपार समय है तो मुझे यहाँ पर क्या करना है, तो मुझे सबसे पहले अपना शेड्यूल बना लेना है कि मुझे यहाँ पर करना क्या है। शेड्यूल कोई भी टाइम है, जैसे मानो 6 बजे उठ गए अपना, सपोज करो 6 बजे नहीं उठा जाता है ठंडी के दिन में, मैं भी मानता हूँ इस बात को, मान लो आप 7 बजे से उठे, 8 बजे से भाई पढ़ना शुरू किया, ठीक है। अब एक बात बताओ, 8 बजे से सबसे पहला शुरू किया तो 8 बजे से क्या उचित लगता है आपको, क्या पढ़ना चाहिए? खुद की मेहनत करना है एक तरीके से, या सबसे पहले मैथ उठाना शुरू करोगे? नहीं, सुबह मॉर्निंग का टाइम है, मॉर्निंग का टाइम है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर, ठीक है, कि दिमाग उस समय कई ज़्यादा एक्टिव होता है, कुछ भरा नहीं होता। भरा नहीं होता तो इस समय पे क्या करोगे, वोकैबुलरी पढ़ लो, करंट अफेयर पढ़ लो, या अगर बहुत ज़्यादा सुस्त हो एकदम लेजी ऐसे पढ़े हुए लाइब्रेरी में, ठीक है उठा दिए, तो अगर उठा दिए तो भाई मौक दो ना फिर, तुम्हें पता है नींद आ रहा है। अब यहाँ पर क्या होता है, इसमें भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है। मान लीजिए किसी ने कह दिया कि 8 से 9 तो वोकैबुलरी ही पढ़ना चाहिए, अब उसमें कसम खा लिया आप नई वोकैबुलरी पढ़ेंगे। अब मान लीजिए कि आप जिस टीचर से पढ़ रहे हैं उस टीचर का ही आपका वोकैबुलरी का शीट हो गया, और एकदम ऐसे है ना भी कुर्सी में लगा नहीं सकता, एकदम कुर्सी में ऐसे करके, ठीक है। एसिड्यूस का मतलब होता है मेहनती, ठीक है। आधे घंटे से तुम एक ही शब्द को देखे जा रहे हो, पता नहीं क्या देख रहे हो, मतलब कोई फिगर होता बढ़िया सा, कुछ और चित्र होता तो समझ में भी आता कि हाँ मज़ा आ रहा है, कोई फेसबुक के रील्स होते तो समझ में भी आता है। आधे घंटे में पता नहीं तुम उसमें हड़प्पा सभ्यता खोज रहे हो या उसके अंदर क्या खोज रहे हो, भगवान जाने तुम ही जानो, ठीक है। 4 महीने से तुम वो कैब पढ़े हो, तुम 4 साल से वो कैब पढ़े हो, जब भी 1000 वर्ड याद नहीं हुआ ना, 2 साल तैयारी करते हो गया, 1000 वर्ड कभी याद नहीं हो पाए ना, होगा भी नहीं कभी, यही रवैया रहा तो भाई। जब सुबह में एक्टिव नहीं था दिमाग तो क्या जरूरत थी वो कैब उठाने की, मौक दे देते, औकात का पता चल जाता, कुछ नंबर जब तुम्हारे कट जाते, जब तुम्हें दिखता कि हाँ इंग्लिश में तुम्हारे सारे वोकैबुलरी गलत हो गए, तब तुम दोबारा से पढ़ने जाते। तो यहाँ पर वही चीज़ें हैं जो आप सबसे ज़्यादा गलती करते हैं। तो कभी भी शेड्यूल में फ्लेक्सिबल रहा पर है ना, बड़ा आराम से रहने का कोशिश किया करो यार। हाँ, जैसे शेड्यूल में इतना कर सकते हो कि मुझे डेली के वोकैबुलरी ख़त्म करना है, ठीक है, और कम से कम कितना ख़त्म करना है, तो कम से कम मेरे 20 साइनो एंटो मेरे ख़त्म हो जाने चाहिए, इतना वर्ड तो मेरे पास फिक्स होना चाहिए। अब ये साइनो एंटो मैंने कहा ना कि 3 तरह के, जैसे 2 तरह का बच्चा सिंपल, एक तो जो है हाँ ठीक है पढ़ रहे हैं, और दूसरा मैं आपको बताता हूँ कि मेरा क्वेस्ट कैसा होता था। एक टीचर थे ऑफलाइन के, उनकी बहुत अच्छी शीट थी वोकैबुलरी की, एक स्टूडेंट मेरा रूममेट था उनके पास पढ़ता था, उनका मैंने देखा था, मैंने उसे सारी शीट लेकर फोटोकॉपी करवा ली। मैंने कहा यार बढ़िया है, लाइब्रेरी में जब आया तो रूममेट भी रहा, लाइब्रेरी में पढ़ते थे साथ में, तो मैंने उसकी शीट लेकर फोटोकॉपी करवाई। उसके बाद उनकी एक शीट में 20 से 25 वर्ड दिए गए होते थे, ठीक है। मैंने क्या किया, हर शब्द का उनका ट्रिक व्रिक जो भी दे रखा था ना, तो मेरा रूममेट का काम बस इतना होता था कि वो उस शब्द को याद करेगा।